तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को पेटीएम की तरफ से आने वाले एक नए ऑफर के बारे में जानकारी दूंगा, जिसकी मदद से आप सभी लोगों को 100% यहाँ पर कैसे मिलने वाला है। यहाँ पर रिचार्ज आपको करना है, तो किस तरह का आपको रिचार्ज करना है, मिनिमम कितने रुपए का रिचार्ज करना और यहाँ पर कितने रुपए का मैक्सिमम कैसे मिलेगा, इस ऑफर के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपके पेटीएम अकाउंट में कुछ इस तरह का ऑफर दिखा दे तो आपको कैसे इस्तेमाल करना मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा पेटीएम का होम इंटरफेस है, इसी तरह से आपको भी अपने पेटीएम को होम इंटरफेस पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल ऑन करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल ऑन करेंगे तो आपको कैशबैक ऑफर वाला सेक्शन मिलेगा, जिस पर टाइप करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वाले ऑप्शन में जाना, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर व्यू ऑल वाला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टाइप कीजिएगा। जैसे ही टाइप करेंगे, अगर आपके अकाउंट में कुछ इस तरह का बैनर शो होता है, रिचार्ज एनी मोबाइल गेट 100% ऑन डाटा रिचार्ज, इस पर टाइप करेंगे, सब बताया गया कि आपको 100% का यहाँ पर कैसे मिलेगा ऑन डाटा रिचार्ज। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम कैशबैक है वो आपको बताया गया कि कितना मिलेगा। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर जियो के नंबर पर रिचार्ज करते हैं तो केवल डाटा पैक, जहाँ पर यहाँ पर दिखाया गया है कि जितना रुपये का आपको अमाउंट का रिचार्ज करना है, जैसे आप 11 रुपये या 21 रुपये या 16 रुपये या 48 रुपये का रिचार्ज करते हैं केवल डाटा पैक का, ध्यान रखकर केवल डाटा पैक का रिचार्ज करते हैं जियो के नंबर पर, अगर मिनिमम 11 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो आपको 11 रुपये का फ्लैट कैसे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप 21 रुपये करते हैं तब भी आपको 11 रुपये कैसे मिलेगा। पर प्लान दिखाया गया है, इस प्लान के अंदर आपको रिचार्ज वगैरह करना है, जैसे जियो का नंबर रिचार्ज करना तो आप जान सकते हैं कि जियो पे आपको यहाँ पर 11 रुपये का और 21 रुपये का रिचार्ज होता है, यहाँ पर जो मिनिमम यहाँ पर डाटा पैक है। तो अगर आप यहाँ पर जियो के नंबर पर 11 रुपये का रिचार्ज करना चाहते हैं डाटा पैक वाला, तो आपको फ्लैट 11 रुपये कैसे मिल जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में ऑफर दिखाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर वोडाफोन या एयरटेल के नंबर पर रिचार्ज करते हैं तो आपको मिनिमम 16 रुपये 48 रुपये का यहाँ पर डाटा पैक आता है एयरटेल और वोडाफोन में। तो आपको जैसे यहाँ पर 16 रुपये का यहाँ पर रिचार्ज करेंगे अपना डाटा पैक के लिए एयरटेल या वोडाफोन के नंबर पर, तो आपको 100% कैशबैक यानी 16 रुपये के रिचार्ज पर आपको 16 रुपये कैसे मिल जाएगा। अगर आप 48 का करना चाहते हैं तो 48 का भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैशबैक आपको 16 रुपये ही मिलेगा वोडाफोन आइडिया के नंबर पर। अगर आपको जियो के नंबर पर रिचार्ज करना है डाटा पैक का, चाहे 11 रुपये चाहे 21 रुपये चाहे उससे अदर का भी आता है यहाँ पर 49 रुपये 51 रुपये का, तो वहाँ पर करेंगे तब भी आपको मैक्सिमम 11 रुपये कैसे मिलेगा। यानी जियो के नंबर पर अगर आपको रिचार्ज करना है डाटा पैक का तो आपको मैक्सिमम 11 रुपये कैसे मिलेगा, अगर वोडाफोन और आइडिया के नंबर पर रिचार्ज करना है 16 रुपये 48 रुपये का तो आपको मैक्सिमम कैशबैक 16 रुपये का मिल जाएगा 100% के हिसाब से। तो जाइए, कुछ इस तरह का अगर आपको अकाउंट ऑफर दिखाता है तो जो यहाँ पर डाटा प्लान दिखाया गया है 11 रुपये 21 रुपये जियो में, 16 रुपये 48 रुपये वोडाफोन आइडिया के नंबर पर, तो जाइए इस डाटा प्लान का रिचार्ज कीजिए। अगर आपके अकाउंट में दिखाता है तो आपको 100% कैशबैक का लाभ मिल जाएगा, और जैसे आपका रिचार्ज ऑफर अकाउंट हो जाए तो आपको एक स्क्रीन मिलेगा, जैसे स्क्रीन करेंगे तो आपको यहाँ पर कैशबैक का लाभ देखने को मिल जाएगा आपके सीधे सीधे पेटीएम अकाउंट में। और इस ऑफर को आप 15 अक्टूबर के अंदर इस ऑफर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टार्टिंग आपसे, तब तक के लिए खुश रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।